भारत और नेपाल के बीच खेला गया मुकाबला तो काफी ज्यादा शानदार रहा, लेकिन बावजूद उसके भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने नेपाल का जिस तरह से स्वागत किया उसे देखकर शायद आप भी सलाम करेंगे। विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या ने मेडल पहनाकर उनका मान सम्मान बढ़ाया, लेकिन आपको बता दे विराट कोहली ने तो इस बीच 80 लाख रुपए के जूते भी नेपाल के एक खिलाड़ी को गिफ्ट कर दिए। इसके बाद कोहली ने खुद बड़ा खुलासा करते हुए कुछ ऐसा कहा जो शायद आपका भी दिल जीत लेगा। भारत और नेपाल के बीच खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने 10 विकेट से जीत हासिल करी। नेपाल की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 231 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद कई ऐसे मोमेंट देखने को मिले जब भारतीय खिलाड़ियों ने अपना दिल नेपाली खिलाड़ियों के लिए खोल। पहले तो रोहित शर्मा ने $15,000 नेपाल के खिलाड़ियों को समर्पित कर दिए। उसके बाद दूसरा वाकया देखा गया जब ड्रेसिंग रूम में हार्दिक पांड्या और विराट कोहली ने न सिर्फ नेपाल के खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ाया बल्कि उनके गले में मेडल भी डाले। इसके अलावा नेपाल के खिलाड़ी सोमपाल, जो कि विराट कोहली के सबसे बड़े फैन थे, उन्हें विराट कोहली ने अपने 60 लाख रुपए के जूते भी गिफ्ट कर दिए। सोमपाल विराट कोहली का यह गिफ्ट लेकर काफी ज्यादा भावुक हो गए। उन्होंने इन जूते पर विराट कोहली के सिग्नेचर भी ले लिए, लेकिन यह सब कुछ देखने के बाद विराट कोहली ने खुद छुट्टी थोड़ी है और पूरी कहानी बताइए। उन्होंने कहा कि नेपाल के खिलाड़ियों की कहानी काफी ज्यादा अलग है। वह एक गरीब देश से आते हैं, बावजूद उसके उनके अंदर टैलेंट है। अगर उन्हें वह सुविधा और हर एक उपलब्धि मिले तो वह भी क्रिकेट में आगे बढ़ सकते हैं। उनके देश की करेंसी छोटी है, इसीलिए हम सभी खिलाड़ियों ने मिलकर उनकी मदद करने का फैसला किया। बल्कि जितना मान सम्मान वह इंडिया टीम के खिलाड़ियों को दे रहे थे, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है उनका सम्मान करने की। वह हमसे जूनियर है, BCCI के आगे उनका क्रिकेट बोर्ड भी काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट हमारे सामने खेली वह काबिले तारीफ थी। इसीलिए हम सभी खिलाड़ियों ने मिलकर उनके सम्मान को बढ़ाया, उनका मनोबल बढ़ाया है जिससे कि वह क्रिकेट में आगे बढ़ पाए। और सोमपाल ने मुझसे कहा था कि वह मेरे बहुत बड़े फैन है, इसीलिए मैंने अपने जूते उन्हें गिफ्ट कर दिए साइन करके। इस तरह से विराट ने पूरी कहानी बताते हुए जो कुछ भी कहा उसने करोड़ भारतीयों का दिल जीत लिया। लेकिन आप सभी विराट की महानता के लिए क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।